हम पूरे बिहार के दौरे पे निकल रहे हैं। ये दौरा 3 चरण में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं और फिर उस जिला में जब जाएंगे तो उसकी तैयारी होगी और बहुत सारा चर्चा वहाँ पे हम लोग लोकल सभी नेता के साथ करेंगे। इस बार हमारा जो यात्रा तीसरी यात्रा है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये हमारा नारा है। पहले जैसा अभी पार्टी नहीं रहा, पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और पार्टी को एक जाति से नहीं चलेगा। पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष है, प्रभारी है, आप सभी को स्वागत है कि आप पटना कार्यालय में आप उपस्थित हुए। विशेष तौर पर आप सभी को धन्यवाद साथी। जैसे कि आज का बुलाने का मुख्य मकसद जो है कि 1 अक्टूबर से हम पूरे बिहार के दौरे पे निकल रहे हैं। ये दौरा 3 चरण में हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक पूरे बिहार में हर जिला में रात्रि विश्राम होगा और फिर उस जिला में जब जाएंगे तो उसकी तैयारी होगी और बहुत सारा चर्चा वहाँ पे हम लोग लोकल सभी नेता के साथ करेंगे। और उसके बाद 11 मार्च को पटना में IT सेल के द्वारा पूरे प्रदेश से युवा का कार्यक्रम रखा जाएगा। अमर शहीद जुबा सहनी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद पूरे बिहार में संगठन बूथ से लेकर जिला कमेटी का जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ हम लोग सम्मेलन करेंगे हर जिला में। और ये कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा पूरे बिहार में। फिर पटना में बापू सभागार में 25 जुलाई को हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और उसके बाद रथ यात्रा के माध्यम से बिहार में सभी जिला में, खास करके उस जिला में जहां हम लोग 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस जिला को, उस विधानसभा को टारगेट करते हुए रथ के माध्यम से हमारा यात्रा होगा और उसके बाद जब आचार संहिता अगर लग गया तो यात्रा रुक जाएगा या नहीं तो 2 अक्टूबर तक हम लोग यात्रा निरंतर जारी रहेगा। इस बार हमारा जो यात्रा तीसरी यात्रा है, सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये हमारा नारा है और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उस पर हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग नए सिरे से जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी का सूची जारी करेंगे। नए सिरे से पूरे पार्टी का संगठन का जो है ढांचा हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और पहले जैसा भी पार्टी नहीं रहा, पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और पार्टी को एक जाति से नहीं चलेगा। एक जाति से आपने आंदोलन करके अपनी पहचान आपने बना लिया है, वो पहचान अभी तकरीबन आने वाला 50-100 साल तक ये वजूद आपका खोएंगे नहीं, वो आपका वजूद बना ही है और बना रहेगा। आज हम लोगों ने वो वजूद बना दिया है कि मुकेश सहनी VIP को कमजोर करने के लिए भारत सरकार में जगह बनाना पड़ता है, ये हमारी पहचान बन चुका है।